अरे अखियों से नींद चैन दिल का उड़ाता है, फलनवा के बेटा सपनवा में आता है। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ए टू जेड बिहार। मैं सूर्योदय चौहान आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि मैं बता दूं, अब मैं लेटेस्ट भोजपुरी अपडेट लाता रहता हूं और इस तरह का इंटरव्यू मैं आपको बराबर देने की कोशिश करूंगा। और आज हमारे साथ एक मॉडल हैं जिनका नाम है मनीषा। स्वागत है हमारे चैनल में आपका। थैंक यू सो मच। और ए टू जेड न्यूज बिहार, यही है ना आपकी न्यूज का नाम? हाँ, तो थैंक यू सो मच आप सभी को, और सभी को प्रणाम। आप लोग इतना प्यारा आशीर्वाद मुझे देते हैं और ऐसे ही देते रहिए। और हमारे ये चैनल है जो ए टू जेड बिहार, उसको भी आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। जैसा कि मैं बता दूं, इनका एक मैं बात बता दूं आपको कि कोई भी गाना में वीडियो जब तक मॉडल सही नहीं करते तब तक कोई वीडियो वायरल भी नहीं होता है। उसमें इनका एक गाना आया था खेसारी लाल जी के साथ में, जैसे भी से कोड़ दे जवानी रजऊ, उसमें इन्होंने काम किया है। आप कैसा लगा आपको उसमें काम करके? आपको उस टाइम बहुत गाना वायरल हुआ था? हाँ, वो खेसारी जी का पहला गाना था मेरा, काफ़ी अच्छा लगा वो गाना करके और काफ़ी वायरल सॉन्ग था, तो बहुत सारा प्यार आशीर्वाद मिला मुझे पब्लिक लोग से। कुछ याद है गाना? गाना ही नहीं याद है, काफ़ी टाइम हो गया, 3 साल हो गया मुझे सुने हुए वो गाने को, तो इसके लिए सॉरी। अभी किस गाने की शूटिंग कर रहे हैं आप? अभी दीपक दिलदार जी के साथ शूट चल रहा है मेरा। और अब मतलब जो अभी तक जितने कलाकार के साथ, किन किन कलाकार के साथ आप गाना ये मॉडल कर चुके हैं? एक पवन जी को छोड़ के बाकी सबके साथ। और ये खेसारी जी के साथ कितने गाने किए? खेसारी जी के साथ मैक्सिमम 10 सॉन्ग हो चुका है। अभी खेसारी जी का और पवन सिंह का गाना आरा में दोबारा अबू ना बहुत ट्रेंड कर रहा है, क्या कहेंगे आप उसके बारे में? सही है, आप गा रहे हैं लोग, अच्छा गा रहे हैं लोग, अच्छा ट्रेंड कर रहा, क्या बोलूंगी मैं उन लोगों के बारे में, वो लोग मेरे से बहुत बड़े हैं। तो थोड़ा सा गाइए का, बहुत बहुत वायरल सॉन्ग है सर, याद भी तो होना चाहिए ना। थोड़ा सा गा दीजिए, गुनगुना दीजिए, कोई दूसरा सॉन्ग बोलते तो गा देते हैं क्योंकि। अच्छा, आपको जो याद है, जो आपने जो चीज में मॉडल आपने किया है वो गा दीजिए जिसमें मैंने काम किया है। हाँ, अक्षरा जी का गाना मैंने किया था, अक्षरा, अक्षरा सिंह का। अरे अखियों से नींद चैन दिल का उड़ाता है, फलनवा के बेटा सपनवा में आता है। कातिला नया से दीवाना बनाता है, फलनवा के बेटा सपनवा में आता है। ये फलनवा के बेटा सपनवा में आता है क्या मतलब होता है इसका? मतलब कि जो अक्षरा दीदी हैं, अक्षरा मैम है, उनको किसी लड़का से प्यार हुआ है और उनमें उनकी मैं छोटी सिस्टर हूँ, तो वो अपने सिस्टर से आके बोल रही कि बहन मुझे एक लड़का से प्यार हो गया है, मैं उसको बहुत पसंद करती हूँ। यही सारा जिक्र उसमें, मतलब एक बहन बहन का मस्ती चल रहा है वीडियो में। एक सवाल पूछूं आपसे? जी बिल्कुल। आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं? अनमैरिड है। अनमैरिड है? सिंदूर किए हुए हैं? सिंदूर इसलिए किए कि शूटिंग चल रही है, एक पत्नी का कैरेक्टर में हूँ। तो शादी के बारे में क्या ख्याल है आपका? शादी के बारे में तो अभी कोई ख्याल नहीं है, कोई ऐसा मिला नहीं। कैसा चाहिए आपको? कैसे चाहिए? बस जैसे भी बोला। नहीं नहीं, नहीं वैसा नहीं चाहिए बस जैसा भी हो, केयरिंग करने वाला हो, प्यार करने वाला हो, क्योंकि आजकल केयर और प्यार करने वाले मिलते कहाँ हैं। अभी तक आपका कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं? प्यार हुआ है कि नहीं किसी से? प्यार हुआ था किसी से। अच्छा, क्या ब्रेकअप हो गया का? नहीं नहीं, ब्रेकअप नहीं हुआ है। अच्छा, अभी चल रहा है? अरे बोल दीजिए ना, दर्शकों के दिल की धड़कन है आप, दर्शकों के दिल की धड़कन है, समझ सकते हैं आप मॉडल, तो आप क्या चाहते हैं, भाग जाए? नहीं नहीं, हम भगाने दिखाना चाहते हैं लोगों को कि हाँ ये भी हैं। हाँ, एक लड़का, नाम नहीं ले सकती, बाकी नहीं, इंडस्ट्री से बाहर है, इंडस्ट्री का लड़का नहीं है। उस लड़के के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप दर्शकों को? डेडिकेट करेंगे कुछ, डेडिकेट करेंगे कुछ सॉन्ग? सॉन्ग क्या डेडिकेट करना, जैसा भी है कर दीजिए ना, अच्छा है। एक सॉन्ग डेडिकेट, और एकदम एक सॉन्ग जो आपके जहन में हो, किसी का सॉन्ग हो जिसमें आप काम नहीं किए। ऐसा ऐसा मैं कर दिया, उसके बाद मेरा झगड़ा हो गया तो। अरे नहीं, ऐसा क्यों होगा, आप उसकी तारीफ में करेंगे ना? मैं उसकी तारीफ में? मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से।
हमको बड़े नसीबों से चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। बस देखिए आप तो गाना का डेडिकेट कर दिए, क्या रिएक्शन आएगा, तुरंत आपका फ़ोन आएगा जब डालेगा वीडियो ना, तो आपके पास फ़ोन आएगा। और अच्छा एक बात और मैं बताना चाहूँगा आपको कि अगला प्रोजेक्ट किसके साथ होने वाला है? अभी अगला खेसारी जी के साथ होने वाला है, बात हो रही है दिल्ली जाना है। आप ये मॉडल कर रही हैं, आपके सबसे ज़्यादा श्रेय किन को देना चाहेंगे? माँ पापा को। माँ पापा को। और ये भोजपुरी इंडस्ट्री में आपके कोई गुरु जिनको आपको आदर्श मानते हो? आर्यन देव जी। आर्यन देव जी, हाँ, जो कोरियोग्राफर है आर्यन सर, वो मेरे आदर्श है इसलिए क्योंकि जिस टाइम में मुझे कुछ नहीं आता था, नहीं भोजपुरी को ढंग से समझ पाती थी, नहीं डांस कुछ नहीं, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब मुझे सपोर्ट किया, सिखाया ऐसे नहीं ऐसे करते हैं, तो उनको आदर्श मानती हूँ। अंत में मेरे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे आप? अंत में क्या कहूँ, बस आप लोग ऐसे ही मुझे प्यार आशीर्वाद देते रहिए और मेरे न्यूज वाले को तहलका मचाते रहिए, और तहलका मचाते रहिए, आप लोग ऐसा इतना प्यार आशीर्वाद दीजिए कि मैं जितना पहले गाना की हूँ उससे ज़्यादा अब करूँ, फिर से कुछ अलग करूँ, आप लोग को मनोरंजन करूँ बस।